हेलो इंडिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उम्मीद करती हूं आप सभी ठीक होंगे, अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं आज सुबह की ताज़ा खबरों की। अरे रुकिए, स्किप करने से पहले खबरें तो देख लीजिए, चाय पीते पीते ही सही। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच LOC पर शांति समझौते का आज 100वां दिन है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे बुधवार को 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। सेना प्रमुख ने LOC को फॉरवर्डेड लोकेशन का दौरा किया। बाद में उन्होंने राज्य के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वो आज सुबह करीब 10:20 पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर पहुंचने के बाद जनरल नरवणे ने सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे के साथ आंतरिक इलाकों की इकाइयों का दौरा किया है, जहां पर स्थानीय कमांडरों ने सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में सेना प्रमुख को अवगत कराया। और ये दूसरी खबर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार कश्मकश में बने हुए हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड तो 12वीं के कैंसिल हो चुके हैं। अब आगे राज्य सरकारें क्या फैसला लेंगी वो आपको बता रहे हैं। दरअसल UP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर आज फैसला हो सकता है। आज CM योगी और DC दिनेश शर्मा के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। इन परीक्षाओं को रद्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि CM ने CBSE बोर्ड की परीक्षा रद्द होने का स्वागत किया था। और अगली खबर, कांग्रेस में लगातार दरार बरकरार नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के लिए उठा तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधों में उठे स्वरों को दबाने के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन करके दरबार लगाया, तो 2 दर्जन से अधिक नेताओं और विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोल दिया। विधायकों और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दलितों और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही चुनावी वादों को पूरा करने में रही नाकामी को भी उजागर किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इन मुद्दों पर भारी रहा वो है धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े 170 मामलों का। और चलिए ये खबर आप लोगों से जुड़ी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। घरेलू बाजार में आज ईंधन की कीमतें जस की तस बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई परिवर्तन नहीं किया गया। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव न होने की वजह से लगातार दूसरे दिन कीमतें स्थिर रही हैं। यानी कि जो कीमत 1 जून को थी वही आज भी कायम है। ऐसे में दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल के दाम 94.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 85.38 रुपये प्रति लीटर पर टिके हुए हैं। और आखिरी खबर है हमारी सुबह की खबरों में, ये है मौसम से जुड़ी हुई। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 10 डिग्री और जून के महीने में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश, बादल गरजने और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे रहा और 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आज की ताज़ा खबरों में इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि वेबसाइट तो अच्छी चल रही है लेकिन YouTube चैनल पर आप लाइक देने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।